नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रहार, जबरदस्त प्रहार, चौकीदार और चोर वाला घमासान काफी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। कांग्रेस की ओर से राफेल को लेकर हमला हर रोज बढ़ रहा है। बीजेपी की ओर से कांग्रेस को घेरने के लिए नए नए हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। राहुल ने मोदी पर नफरत की राजनीति का आरोप लगाया तो मोदी ने महागठबंधन को महामिलावट ही बता दिया। मतलब ये कि प्रहार इधर से तो उधर से भी। इस सियासी संग्राम के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि कहां गायब हो गए हैं मुद्दे। पहले ये सुनिए घमासान, फिर चर्चा की करेंगे शुरुआत। और डिफेंस मिनिस्ट्री के हर अफसर ने कहा था कि प्रधानमंत्री डायरेक्टली निगोशिएट कर रहा है। हर अफसर ने कहा था कि सॉवरेन गारंटी प्रधानमंत्री ने कैंसिल की। हर अफसर कह रहा था कि अनिल अंबानी को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री ने उसके बारे में क्यों नहीं बोला? क्योंकि चौकीदार चोर है। हमारे यहाँ एक कहावत है, उल्टा चोर चौकीदार को डांटे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय उनसे करा दें। डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ इस चर्चा में। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, एक सेकंड। हमारे साथ शाहनवाज, माफ कीजिएगा, शाहनवाज हुसैन साहब, नहीं अजय आलोक जी, आप जेडीयू में ही हैं अभी, साथी थे पुराने कांग्रेस के। आप कांग्रेसियों को खुश कर रही हैं। चलिए शाहनवाज हुसैन साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय आलोक जी जेडीयू की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए। अभय दुबे जी आज पक्ष रखेंगे, कई दिन बाद अभय दुबे जी आप पहुंचे आज हल्ला बोल के मंच पर, स्वागत है आपका, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। अनुराग भदौरिया जी ने मोर्चा संभाल लिया समाजवादी पार्टी की तरफ से, और दानिश अली हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त जेडीएस की तरफ से, उनके साथ भी चर्चा करेंगे कि ये क्या है महामिलावट, क्या है महागठबंधन। प्रधानमंत्री तो इसे महामिलावट कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल मैं आपके पास लेकर आना चाहती हूं शाहनवाज हुसैन साहब, उल्टा चौकीदार चोर को डांटे ये कैसे सही साबित होगा? क्योंकि घिरे हुए तो साहब आप दिख रहे हैं राफेल पर रोज नए प्रहार, क्या होगा आपका जवाब? अरविंद वाजपेयी जी हमारे साथ स्टूडियो में, आज देखिए गठबंधन। अच्छा शाहनवाज जी, आज आपके लिए मामला बड़ा आसान है, क्योंकि देखिए तीन तीन का हमने सामने में रख दिया है तराजू में दोनों तरफ। दानिश अली जी आज आपको भी शिकायत नहीं होनी चाहिए और ना ही भदौरिया साहब को। तीन का मामला उधर है तो तीन का मामला इधर, नहीं तो बीजेपी वाले बहुत रोते हैं कि आप चार ले आती हैं हमें बोलने नहीं देती हैं। आप शाहनवाज हुसैन साहब जवाब दीजिए, घिरे हुए हैं आप राफेल पर। देखिए, एक तो हम लोग रोने वाले लोग नहीं हैं, अकेले ही काफी हैं। अगर अकेले भी डिबेट में बुलाती तब भी मुकाबला होता और अजय आलोक भी आते तो अकेले भी कर लेते, अब वाजपेयी जी भी अकेले कर लेते, क्योंकि हम सत्य के साथ हैं। सत्य परेशान हो सकता देश है, ने देखा शाहनवाज भाई हम सच्चाई के साथ हैं। हमने देश के रक्षा के लिए एक अच्छा निर्णय लिया है, हमने इस देश के सेना को मजबूत करने का एक निर्णय लिया है। हमने इस देश में कांग्रेस को एक्सपोज किया है, जो 10 साल तक राफेल को नहीं लेकर देश की वायुसेना को कमजोर किया, और अब विपक्ष में रहकर भी वो वायुसेना को कमजोर करना चाहती है। हमने देश के अंदर दिखाया है कि देश का चौकीदार चोर को पकड़ेगा भी और देश की चौकीदारी भी करेगा। हमने देश को दिखाया है कि किस तरह से हमने इस देश की चोरों से रक्षा की है। तो चौकीदार पूरा नजर रखे हुआ चोर को पकड़कर सलाखों के पीछे भी भेजेगा। हाँ। और जो चोर मचाएगा उसको भी एक्सपोज करने का ठीक है। अभय दुबे जी, राफेल पर क्या होगा? हाँ। एक ना एक झूठ एक पक्ष लाकर ये दिखा दिया, एक नोट को दिखा दिया, फिर नीचे का नोट दिखाया नहीं। ये साफ है कि प्रधानमंत्री, ये NSC नहीं है, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, ये प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री को अपने मंत्रिमंडल के हर एक्टिविटी की, मंत्रालय में हर बात की जानकारी होनी चाहिए। हाँ, ठीक है, मैं भी देश का कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूँ, मेरे मंत्रालय में क्या हो रहा है इसकी जानकारी प्रधानमंत्री को होती है। आधे अधूरे प्रधानमंत्री की सरकार होती है। हुसैन साहब आ रही हूँ, आधे अधूरे नोट पर आपने जो ये पूरी की पूरी आज कहानी आगे आप ले गए अभय दुबे साहब, आपको एहसास है? PM तो कह रहे हैं कि उल्टा चोर चौकीदार को डांटे। अंजना जी, 55 महीनों में देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को 55 साल पीछे कर दिया, हराकर किसानों और सैनिकों की जिंदगियों को, हराकर युवाओं के रोजगार को, हराकर देश के भाईचारे और सद्भाव को,
बहन बेटियों और दलितों के सुरक्षा के भाव को गढ़े हुए अभिनय से भरे हुए प्रचुर प्रचार से देश के प्रधानमंत्री जी ने 55 महीने में 55 साल हिंदुस्तान को पीछे कर दिया। क्यों कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी ये मैं, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एस्टीमेट मुरली मनोहर जोशी जी की रिपोर्ट कहती है कि 1962 के बाद सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने सेना को पहुंचाया तो प्रधानमंत्री जी आपने। वो कहते हैं टेनाई प्रिक्योरमेंट, 10 दिन तक भीषण युद्ध लड़ने के लिए सेना सिर्फ 9,800 करोड़ रुपए मांग रही थी, आपने सिर्फ 3,600 करोड़ रुपए दिए। मॉडर्नाइजेशन के पैसे नहीं दिए प्रधानमंत्री जी। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन अर्बन डेवलपमेंट पिनाकी मिश्रा जी की कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि आपके ड्रीम प्रोजेक्ट, बहुत चर्चा की आपने, स्वच्छता, हाउसिंग फॉर ऑल, स्मार्ट सिटी, अमृत, प्रधानमंत्री जी 21% पैसा भी खर्च नहीं किया। स्मार्ट सिटी में तो सिर्फ 1.8% पैसा खर्च किया प्रधानमंत्री जी। 55 महीनों में 55 साल हिंदुस्तान को पीछे धकेल दिया। 12 लाख रुपए का नॉन परफॉर्मिंग असेट हो गया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के प्रोजेक्ट स्टॉल्ड हो गए। स्टेटिस्टिकल मिनिस्ट्री की रिपोर्ट ये बताती 1286 करोड़ के प्रोजेक्ट जो दुबे जी कुछ दोस्तों के लिए भी छोड़ दीजिए। अनुराग भदौरिया जी, आप तो महामिलावट का हिस्सा बता दिए गए हैं प्रधानमंत्री द्वारा। देखिए प्रधानमंत्री जी जब पार्लियामेंट में भाषण दे रहे थे तो मुझे लग रहा था कि बार बार वो 30 सालों की बात कर रहे थे, तो मैं तो कह रहा हूँ लास्ट के 20 सालों में 10 साल तो एनडीए की गवर्नमेंट रही है। अगर एनडीए गवर्नमेंट 10 साल की कम से कम उनकी उपलब्धि बता देते। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2014 के पहले का भाषण दे रहे हैं। बार बार 55 साल की भी बात कर रहे थे तो 5 साल की बात भी कर लेते। 5 साल तो आपकी सरकार थी, अभी 5 साल में आपने क्या किया वो गिनाते। देखिए दूसरों की कमियां, आप 55 साल में अगर कांग्रेस ने सब कुछ अच्छा किया होता और दूसरे लोगों ने अच्छा किया होता तो आपको इतनी बहुमत क्यों मिलता? इतना बहुमत आपको इसलिए मिला था कि 5 साल आप आएंगे, 5 साल बाद जो 5 साल आपकी सरकार होगी उसकी उपलब्धि गिनाएंगे, और जब आप खड़े होंगे लास्ट भाषण देने के लिए तो देश आपको सुन रहा होगा। देश आपको सिर्फ इतना सुन रहा था, मैं, मेरा, हम। अरे कम से कम आपने कुलिक का धन्यवाद दे देते, आपके कैबिनेट के जो मंत्री थे उनका भी योगदान कुछ ना कुछ तो रहा होगा, उनको भी आपने धन्यवाद नहीं दिया। आप अपनी बात करते चले गए। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा राफेल के मामले में अगर आप इतने पाक साफ हैं, आपको लगता है कि आपकी सरकार पाक साफ है, तो आपको जेपीसी पहले ही करा देना चाहिए थी। जेपीसी आपने नहीं कराया, उसकी वजह से क्या हुआ भाई? एयरफोर्स कमजोर हो रही है आपकी, देश की सेना कमजोर हो रही है। अगर किसी भी सौदे में जब इंक्वायरी शुरू हो जाती है तो सौदा पूरा नहीं हो पाता और सालों साल लटका रहता है। आप आते देश के सामने बोलते देखो हम इंक्वायरी चलती रहेगी, हम अपने रफाइल मंगा ले रहे हैं, उसके बाद ये जो है जेपीसी होगी, जेपीसी का रिजल्ट आ गया, रफाइल आने दो, हमारी सेना को मजबूत करने दो। सेना के नाम पर राजनीति तो होगी, सेना के नाम पे राजनीति करेंगे आप, लेकिन सेना को मजबूत नहीं करेंगे। ये अजीब सा पहली बार देखा है। मैं मेरे हम के शिकार तो बन जी आप भी करेंगे, ठीक है, सबके पास आना है। मैं मेरे हम का सवाल ही नहीं होता, लेकिन उन्होंने 55 साल बनाम 55 महीने बाकायदा एक एक पॉइंट करने के लिए बात करते हैं, ठीक है, पूरा पूरा रिपोर्ट कार्ड उन्होंने रखा है। एक एक पॉइंट को टच करते हैं, हम उस पर बाद में आएंगे, पहले राफेल वाले पे आ गए। इनसे पूछे क्या सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं कि नहीं मानते, बस इतना सा पूछ लीजिए आप। अगर ये सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं तो इस मुद्दे को बार बार झूठ बोल के क्यों लाना चाहते हैं? दानिश अली जी सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं कि नहीं? और एक सेकंड, और इनकी शुरू से मंशा ये है कि इस डील को कैंसिल कराई जाए। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि ये L1 और L2 की लड़ाई है। जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गई थी आपको मालूम है उसमें क्या प्रेयर थी? पहले प्रेयर थी कि FIR रजिस्टर कराइए, दूसरी प्रेयर थी कि ये एग्रीमेंट जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हुआ उसको कैंसिल करिए। ये मैं पढ़ के भी सुना सकता हूँ आपको। तो मतलब ये तो चाहते ही हैं कि ये सौदा रद्द हो, और ये कौन चाहता है? जो L2 था, जो L2 था उसी का ये सारा ड्रामा रखा हुआ है, और ये विदेशी ताकतों का खेल है। इंडिया इज ए इंटरनेशनल मार्केट की आंखें हमारे पीछे लगी हुई है, और वो चाहते हैं कि ये जो देश है मजबूत ना हो जाए, इसको समझना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं ये बार बार कहता हूँ, हर इवेंट में जी दुबे जी सुनिए तो वो क्या कह रहे हैं, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस के लिए खास तौर से कि ये लड़ाई L1 और L2 की है, और आप L2 के साथ खड़े हुए हैं, जाने अनजाने में आप देश में ये चाहते हैं कि राफेल विमान ना है। ये आप बार बार इसलिए इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि L2, फिर वही बात, L2 जो कंट्री, L2 जिसको नहीं मिला लाइसेंस, हमेशा वो बैकिंग करती है और वो चाहती है कि डील कैंसिल हो, दोबारा से डील हो, दोबारा से जांच मंगाई जाए, दोबारा से सारा प्रोसेस हो। तो किसका नुकसान है?
देश का नुकसान है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगा दिया एक एक पॉइंट पे सारी बातें क्लियर कर दी, उसके बाद दुबे जी बहुत स्पेसिफिक आरोप है, इसलिए छोटा सा जवाब फिर मुझे दानिश अली और अजय आलोक जी के पास जाना। वो बहुत छोटा सा आरोप कहता हूँ, वो डील तो L1 L2 की कैंसिल ही कर दी प्रधानमंत्री जी ने। ये तो कहा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट है। वो जो यूरो टाइफून था वो निगोशिएटिंग कमेटी के पास जाता तो अपने प्राइसेस कम करने को तैयार था। थोड़ा तो अध्ययन करिए कम से कम। इसलिए एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। पैरवी कर रहे हैं आपकी जबान पे, यूरो टाइफून का निकल गया नाम 1670 करोड़ उसी की पैरवी कर रहे हैं, उसी के कहने पर इतना बड़ा हंगामा कर रहे हैं। तो रोज खुलासे हो रहे हैं ये कि जॉइंट असल बात पता लग गई। आप कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, एक कंपनी की आवाज बनना चाह रहे हैं, ये देश जान रहा है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिस दिन उसमें रखा गया उस दिन सारे के सारे बिहाइंड। रुक जाइए अभी एक बार बोल ले इस पर दानिश अली जी और अजय आलोक जी। दानिश अली जी, 2019 कौन किस पर भारी, चौकीदार और चोर की चली है तो कहानी। देखिए अंजना जी आप ये देखिए, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल बोल रहे थे, मतलब मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ और अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूं कि वो प्रधानमंत्री पद की गरिमा का निर्वहन नहीं कर पा रहे। वो कहते हैं महागठबंधन महामिलावट टी है। अरे भाई तो ये भी बता दीजिए कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जो 23 दलों की सरकार थी, जिसमें का क्लेम अभी शाहनवाज भाई कर रहे थे कि वो भी कैबिनेट मंत्री थे, तो ये कितने मिलावटी सरकार के मंत्री थे आदरणीय वाजपेयी जी की सरकार में। इतना अहंकार मोदी जी को कि वो अपने पुरखों की सरकारों को भी मिलावटी और महामिलावटी कह रहे हैं। अरे देश ने आपको चुना था कि आप कुछ करके दिखाते। आप 2013-14 का भाषण रिपीट कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। अरे भ्रष्टाचार 13 में था, इसीलिए तो जनता ने आपको चुना कि आप 15 लाख लाएंगे बाहर से, हर व्यक्ति को 15 लाख देंगे, आप नौजवानों को रोजगार देंगे। और राफेल में तो भी दूध पानी का पानी हो गया। जो जो नोटिंग है उसमें साफ लिखा है, आप जो एक्सपोजर हुआ है उसका तो आप जवाब दे नहीं रहे हैं। आप जो है आप मुझे ये बता दीजिए शाहनवाज भाई कि जब न्यूक्लियर डील पर जवाब अभी सरकार न्यूक्लियर डील कर रही थी बताइए, पूछिए अभी हम बताता भी उसका अपोज कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका जोर से अपोज कर रही थी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उस वक्त दूसरी मल्टीनेशनल्स के साथ मिल करके देश के साथ गद्दारी करने का काम कर रही थी जब न्यूक्लियर डील का विरोध कर रही थी? देश के साथ खड़े थे। आप कितनी मतलब गैर जिम्मेदार यहाँ जो लोग खड़े हैं वो एक कंपनी के लिए कर रहे हैं। मंत्री लगा हमारी हमारी देशभक्ति हमें कह रही प्रधानमंत्री जी जो है प्रधानमंत्री पद की गरिमा नहीं रख पा रहे हैं। पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से नोटबंदी के बाद हमारी भक्ति देशभक्ति हमें राफेल लाने को कह रही है गलत हो गया और कंपनी भक्ति लटका देना, राफेल को रोकने को कह रही है। ये कंपनी भक्ति और देशभक्ति के बीच का मुकाबला है। ये हम देश को देश सेना को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं, सुन ली है, भारत को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। देश जो है वहाँ कंपनी के कागज लेकर ये देश जो है कंपनी के वजह से आप बदनाम करने में लगे हैं। देश में राफेल देश की सेना को मजबूत करेगा, भारत को मजबूत करेगा और आप लोग भारत को कमजोर करना चाहते हैं। हम भारत को कमजोर होने नहीं देंगे। आप कितना इल्जाम लगाएं नरेंद्र मोदी इस देश की सेना को सक्षम बना के छोड़ेंगे। सक्षम सेना, सक्षम देश, सक्षम प्रधानमंत्री। और मैं एक बात और कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दें कि 15 राज्यों में सरकार चल रही है, 2 राज्य कमजोर करने का उस साजिश को नाकाम करेंगे और अपनी देश की सेना को मजबूत करेंगे। इसलिए हम राफेल लाना चाहते हैं क्योंकि हम देश को मजबूत करना चाहते हैं। आप विरोध इसलिए कर रहे हैं, महामिलावट आप लोगों में है। दस प्रधानमंत्री है, एक नेता है, एक नीति है, एक नियत है,
बीजेपी और जेडीयू की मिलावट की है। एक बार सबकी प्रतिक्रिया आ जाए। उत्तर प्रदेश में भी आप गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, मिलावट कराएंगे, पूछेंगे अरविंद की मिलावट है क्या। अली जी, दानिश जी, पूरे देश में आप दानिश जी हो गया, दानिश जी पूरे देश में मिलावट कर रहे हैं आप। दानिश जी सुन लीजिए, कुमार साहब हो गया कि क्या बोल ऐसा है। दानिश जी अंजना जी, अभी आपने अभी आपके शो ला रहे हैं कांग्रेस के लोग, आपके मुख्यमंत्री अरे अभी आपके शो पे कर्नाटक के अंदर आप कांग्रेस की पैरवी कर रहे हैं। आपका वाला चला गया है दानिश जी में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी देते हैं संसद के अंदर। आज आपका वाला अंजना जी, अभी आपके शो पे एक चीज क्लियर हो गई दानिश जी में। हाँ हाँ अजय आलोक, अभी आपके शो पे एक चीज क्लियर हो गई, दानिश भाई हो चाहे अनुराग साहब हो, दोनों ने एक बात तो मान लिया कि 2013-14 में कांग्रेस भ्रष्ट थी, अपने भ्रष्टाचार के कारण जाना पड़ा। ये बात तो बड़ी, दोनों ने पैनल पे भी माना है कि कांग्रेस भ्रष्ट थी इसलिए बीजेपी आई। चलिए इसके लिए धन्यवाद दोनों को। अब सेलेक्टिव हियरिंग आपको है क्योंकि कल 1 घंटे 40 मिनट के स्पीच में 55 महीने में क्या किया प्रधानमंत्री ने वो बताया, वो आपने नहीं सुना, लेकिन 55 साल की विफलताओं को आपने सुन दिया। तो ये सेलेक्टिव डेफिनेशन जो है ना, इसको कृपया करके निकाल दीजिए। अब मैं जानता हूं दानिश भाई क्यों हो रहा है, ये जो कर्नाटका में बजट सेशन का ओपनिंग डे हुआ ना, 9 कांग्रेसी भाग गए आपको ठेंगा दिखा के। तो महामिलावट की सरकार जब होती है तो यही होता है। महामिलावट से प्रधानमंत्री जी का साफ मतलब था कि भ्रष्टाचार में लिप्त लोग अगर साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे तो वो गठबंधन नहीं बनता है, वो ठगबंधन होता है, उसमें फांसी ही लगती है। जैसे कर्नाटका में वो आपकी सरकार को फांसी लगती है, रोज दिन लगती है, आपकी सरकार चल रही है। आप विदेश को अब जहां तक रहा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी और आज का उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस की ऐसी, प्रधानमंत्री जी अपने गठबंधन के साथ ही शिवसेना नहीं छोड़ रहे हैं, जिद नहीं छोड़ रहे। सुन लीजिए, आपके लिए खेल मतलब एडिटोरियल पढ़ लिया करें तो ज्यादा ज्ञान मिल जाएगा। अरे सुन लीजिए दानिश भाई, हमेशा बीच में बोल के क्या फायदा होगा, आपके बारे में मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। सुन लीजिए दानिश जी प्लीज, राहुल गांधी पे सुन लीजिए, आपके नहीं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। मैं तो आपको याद दिला रहा हूँ, जिद में आलोक भाई, मैं तो आपको राहुल गांधी पे एक शेर है, उनके ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस पे डॉक्टर हूँ ना, इसलिए उनपे एक शेर बता रहा हूँ, जो बीमारी हो गई है बार बार एक ही चीज कहने की। जिद में उम्मीदों की जद्दोजहद बना बैठा मैं, जिद में उम्मीदों की जद्दोजहद बना बैठा, बता दीजिए ना देश को, फिर किसको मैं अपनी कब्र खुद बना बैठा। डीएनए के कट गया फोन, नहीं 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 कटा है, पूरा कटा नहीं है, पूरा पढ़िए, पूरा पढ़िए, पूरा पढ़िए, बिल्कुल आप आपने बड़ा बेहतरीन शेर पढ़ा है, इरशाद हो, मोदी जी को जोर से पकड़ा है, इरशाद हो, पढ़ के बोल रहे हैं तो क्या फायदा, ऐसे बोलते तो ज्यादा अच्छा लगता, हर चीज पढ़ी करेंगे तो कैसे काम चलेगा। अजय आलोक जी है क्या ये, ठीक है उनको आवाज कट गई, उनकी आवाज कट गई, हमारी आवाज नहीं पहुंची, इसीलिए वो घबरा गए, इसीलिए वो नहीं, आलोक अजय आलोक जी ने सही इशार पढ़ा है कि राहुल गांधी जिस रफेल बोल रहे हैं पूरे देश के लोग मान गए हैं, ठीक है, एक झूठ को एक अगर ये 100 बार बोलेंगे तो देश के लोग यकीन करने वाले नहीं है, ठीक है, इसलिए अजय आलोक ने पिन पॉइंट कहा है, पीएम ने सही दबाया है, राहुल ने सुना देते जो इशारे हैं वो एकदम सही है। महामिलावट, महामिलावट वाली बाइट चलाइए, महामिलावट पर जो जिक्र किया प्रधानमंत्री ने और उस पर क्या जवाब आया है सुनिए, फिर चर्चा आगे लिए चलेंगे, तब तक अजय आलोक भी जुड़ जाएंगे। उनका शेर सर 2019 में नरेंद्र मोदी जी को पूरा पता लग गया है कि हिंदुस्तान को बांटने से, नफरत फैलाने से हिंदुस्तान का राज नहीं किया जा सकता है। महामिलावट यहाँ पहुंचने वाले नहीं है, ये महामिलावट आप कलकत्ते में इकट्ठा करो, देख लो ये महामिलावट का हाल, देखो केरल में मुंह नहीं देख पाएंगे एक दूसरे का, ये महामिलावट का नेतृत्व करने वालों को उत्तर प्रदेश में बाहर कर दिया, ये महामिलावट देखने वालों को, और इसलिए ये महामिलावट का खेल, महामिलावट का खेल भदौरिया साहब, जरा महामिलावट के खेल पर आपकी टिप्पणी आ जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं महामिलावट का खेल है, सबको इकट्ठा करो, कलकत्ते में कुछ नहीं होने वाला है, सब चेहरा नहीं देखेंगे एक दूसरे। भदौरिया जी तो पाठ है महामिलावट के, मायावती जी रैली करेंगी ना अखिलेश जी के साथ, भूल जाते हैं मुझे लगता है, अगर थोड़ा उत्तर प्रदेश अपना याद कर ले
राजभर जी को याद कर लेते थोड़ा, बोलते समय राजभर जी के बारे में सोच लेते, बोलते समय अनुप्रिया पटेल जी उनके बगल में बैठी थी उनके बारे में भी सोच लेते, अपना दल उनके बारे में क्या कहता है, बोलते हुए शिवसेना के बारे में सोच लेते, बोलते बोलते और अपने पहले साथी पुराने पीडीपी जिसको छोड़ के भागे या उनको छोड़ के भागे पता नहीं, उनके उनके तो 47 दलों की जो महामिलावट है उसके चक्कर में खुद ही फंसे रहते हैं, लेकिन अपना दर्द बताने के लिए, चूंकि दर्द बहुत अंदर है महामिलावट का, तो दूसरे पे उंगली उठा के थोड़ा दर्द कम कर लेते हैं। यहाँ दो तीन लोग महामिलावट भी मान लिया, खुद बोलने लगे महामिलावट का, दल का दर्द जो उनके महामिलावट भी मान लिया अनुराग जी ने, खुद ही महामिलावट बोलने लगे, अपना दर्द छिपा लेते हैं दूसरे की बात करके। अच्छा होता, खुद ही महामिलावट बोलने लगे मोदी जी ये बात कहते कि देश में हम देश को बचाने, अरे ये महामिलावट इसमें कही जा रही है, जो कि भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, देश को लूटने की बात करते हैं, भ्रष्टाचारियों के साथ में भाई की बात करते हैं, बोलो खनन घोटाला का कितना मामला खेल रही है, ईडी जांच कर रही है, रॉबर्ट वाड्रा को ईडी कर रही है, मां को सॉल्व इस महामिलावट के सिलसिले में ईडी कर रही है, बचाने के लिए राष्ट्र के दल एक साथ आए और राष्ट्र के साथ बात करते हैं, ये अगर मिलावट नहीं हो तो छोटी छोटी की तो पता भी नहीं चलता कौन बोल रहा है सर, प्लीज एक एक करके प्लीज, आप सबसे मेरा निवेदन है, इतनी अच्छी बहस चल रही है, पता है किस तरह से भागे भागे घूम रहे हो जरा, वही तो कहता हूं, मायावती जी और अखिलेश जी एक साथ रैली करेंगे ना, ऐसा कौन सा प्रदेश है जिसमें गठबंधन करके नहीं है, अगर एक दो प्रदेश छोड़ दीजिए पूर्व, अगर अगर आप चले जाओगे क्या बोलते हैं ईस्टर्न में, तो सारे से मिलावट करके तो सरकार बनाए बैठे हैं, मायावती जी और अखिलेश जी सरकार उत्तर प्रदेश में खड़े होकर रैली करेंगे, उनके बिना मिलावट की सरकार बताइए कहाँ है, अगर गुजरात माइनस कर दीजिए तो ऐसा तो नहीं होगा, चुनाव आते आते मायावती और अखिलेश जी चेहरा नहीं देख पाएंगे एक दूसरे का, एक मंच पर प्रचार करेंगे ना, जवाब दे दीजिए चढ़ेंगे हाथी पर, वो भारतीय जनता पार्टी सपने देख सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, गुंडे चढ़ेंगे हाथी पर। अंजना जी अभय दुबे जी बोलिए बोलिए, बहुत देर से नहीं, महाघोटाले आपको तो महामिलावट में भी कह रहे शामिल नहीं करना चाहता कोई, अरे अजय आलोक जी देखिए महाघोटाले बाद एक हो गए भारतीय जनता पार्टी के, ये जो बिहार में बता रहे थे सृजन घोटाले के जोड़ से चिपके हुए, याद कर लो सुनाना है, सुशील मोदी की बहन के अकाउंट में सृजन घोटाले के पैसे गए, इन्होंने कहा फेविकोल का जोड़ बना लो, महाघोटालेबाज बिहार में एक हो गए, कहते थे भाग मुकुल भाग सीबीआई आइए वेस्ट बंगाल में जाकर, वो मुकुल राय जिसके घर छापा पड़ा, जिसका कन्फेशनल स्टेटमेंट मुख्य आरोपी सुदुप्तो सेन गुप्ता का ड्राइवर कहता है कि ये मुकुल राय ही वो मुख्य आरोपी था जिसने छुपाया भगाया स्कैम को अंजाम दिया, मुकुल राय की जांच गायब कर दी गई। हेमंत बिस्वा शर्मा असम में, जिसको ये कहा गया फरवरी 14 में रेट पड़ी कि 20 लाख रुपए महीना इसके अकाउंट में जाते हैं, घोटाले गुमराह करने वाली बातें कर रही है, ऐसा नहीं, बीजेपी के इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसी को छोड़ती है क्या, जिसके खिलाफ एविडेंस होगा उसको कभी नहीं छोड़ती। अच्छा एक बात किया ठीक है, उन्होंने किया, मेरे को एक बात इधर है, तीन लोग नरेंद्र मोदी रामविलास पासवान नीतीश कुमार, बिल्कुल स्पॉटलेस क्लीन, कहीं कोई भ्रष्टाचार को आरोप नहीं, और उधर आपके लिए नंबर वन से लेके सोनिया राहुल अखिलेश मायावती भूपेंद्र सिंह हुड्डा तेजस्वी यादव सबके खिलाफ केस चल रहे कन्विक्टेड भी है, तो कैसे होगा ये मामला, हिंदुस्तान से भगाया गया है मोदी सरकार की सरपरस्ती में भगाया गया है सर। अरे अजय आलोक जी का शेर ऐसे ही उसको मुकम्मल किया जाए, हाँ नहीं तो कांग्रेस के लिए दुबे जी के लिए था, राहुल गांधी की जो उम्मीदें हैं तो जिद में उम्मीदों की जद्दोजहद बना बैठा काफिर, जिद में उम्मीदों की जद्दोजहद बना बैठा काफिर, अपनी कब्र में खुद बना बैठा, तो राहुल गांधी तो अपनी कब्र कांग्रेस की कब्र खोदने में लग ही गए, तो हम क्या कर सकते हैं, सहानुभूति होती है बेचारे राहुल, क्या किया उन्होंने ऐसा, हम लगातार देखिए ना कांग्रेस पार्टी को उठाने की जगह डुबाते ही जा रहे हैं, कांग्रेसी भी भूल जाएंगे, अभी खुद अभय दुबे और अनुराग भदौरिया महामिलावट महामिलावट करने लगे, अभी खुद अनुराग भदौरिया और दानिश अली दोनों ने आपके सामने माना कि 2013-14 में कांग्रेस भ्रष्ट थी, भ्रष्टाचार के आरोप थे, सही थे, कांग्रेस सत्ता में आनी पड़ी, हर बात तो खुद ही मान रहे हैं, हर बात तो खुद ही मान रहे हैं, धन्यवाद, कभी कभी एक दूसरे से मुंह मोड़ लेते हैं, अजय आलोक जी साथ आ जाते हैं, अजय आलोक जी नोटबंदी में तो नीतीश जी कह रहे थे नोटबंदी, अभी तो तीन राज्यों में वो सत्ता में आए हैं,
बाद आप दोनों एक साथ आ गए थे, कैसे सत्ता में आए? एक छत्तीसगढ़ लोकतंत्र का, लोकतंत्र का सबसे अच्छा हकीकत यही है कि जो जीता वही सिकंदर। लेकिन इतनी जमीन मजबूत नहीं हुई है कि 15 वर्षों के बाद भी सत्ता में आ रहे हैं और वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का ही ज्यादा है। राजस्थान में घी के 100 पहुंच रहे हैं। एक गलती और आप वापस खड्डे में जाइएगा। गलती तो शुरू कर चुके हैं। ठीक है, अभय दुबे जी बोलिए, फिर शानवाज जी जवाब देंगे। अभय दुबे जी आ रही हूँ, उसके बाद दानिश चले जी। देखिए कर्नाटक में देखिए क्या हाल है, क्या नाटक चल रहा है कर्नाटक। दुबे जी, प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी अपने जोरदार झूठे अभिनय से भरे हुए भाषण जारी रखे हैं। सारे चोर हैं आपके कुनबे में, उनपे दस्ते कर्म बारी बारी रखे हैं। 1,00,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का 21 लोग लूट कर भागे। कीचड़ उछालेंगे उतना प्रधानमंत्री कमल के फूल की तरह खिलेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, अरे लोग ये प्रधानमंत्री पर जितना कमल का फूल, प्रधानमंत्री कमल के फूल की तरह खिलेंगे। राहुल पर बोल बोल कर जिस तरह से आवाज सबके नीचे कीजिए, आवाज सबके नीचे कीजिए। एक बार आप सबसे मेरा निवेदन है, देखिए इतने सारे मेहमान हैं, आप सभी इतनी बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के, अगर एक एक करके अपनी बात कहेंगे तो सबको सुनाई देगा। प्रखर होके बोलिए, जोरदार अंदाज में बोलिए। हम भी कोई यहाँ पर सद्भावना सम्मेलन करने नहीं बैठे हैं, लेकिन कम से कम एक दूसरे के ऊपर मत चीखिए। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो दर्शक घर पे होता है उसके हाथ में रिमोट होता है, वो भी सोचता है क्या कर रहे हैं। हम सर्कस का हिस्सा नहीं है सर, हम सभी एक अच्छी बहस करने की कोशिश कर रहे हैं। शाहनवाज हुसैन साहब ये कह रहे हैं, दानिश अली जी, कि जितना आप कीचड़ उछालेंगे उतना ही कमल का फूल यानी मोदी जी खिलेंगे। अंजना जी, कीचड़ नहीं उछाल रहे हैं, जो सच्चाई है वो आईना दिखाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है और देश की जनता समझ गई है। देखिए देश की जनता ने जुमले बहुत सुन लिए, अब जुमले खत्म करिए, अब हिसाब देने का वक्त आया है। आपने कहा था 60 महीने दूसरों ने राज किया, मुझे 60 साल दूसरों ने राज किया, मुझे 60 महीने कर्नाटक में 55 महीने बीत गए। आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है सिवाय झूठ बोलने के, सिवाय लफाजी करने के, सिवाय जुमलेबाजी करने के। तो देश की जनता हिसाब मांग रही है। जी, आप जी से पूछे कर्नाटक में जो है कांग्रेस के खिलाफ उनके नेता बोल रहे हैं ठगने का काम, और यहां कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं। कर्नाटक से क्यों घबराए हुए हैं आप भाई? मोटे मोटे आंसू से रो रहे हैं, कांग्रेस के लोग क्यों घबराए हुए हैं? आप कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं। तोड़ कोशिश कर ली कई सरकार को डिस्टेबलाइज करने की, कांग्रेस के ऑडियो रिलीज किया है कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने, और आप यहां कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं। आपके नेता येदियुरप्पा जो है हमारे विधायकों को तारीफ कर रहे हैं, बंदे रहे कि जाइए बंबई के रिसोर्ट में जाइए, वहां पैसे ले लीजिए। ऑडियो रिलीज क्या बताएं वाले लोग हैं आप, दूध प्रलोभन वाले हैं। हमें प्रलोभन देकर देखिए ना, आप हॉर्स हमें कोई भी प्रलोभन दीजिए, हम प्रलोभन में आने वाले हैं। आपके विधायक प्रलोभन में क्यों आ जाते हैं? देश जानना चाहता है कि कर्नाटक में आपके मुख्यमंत्री कुमार स्वामी कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, यहाँ अंजना जी के प्रोग्राम में आप कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं, विधायकों को तोड़ करके क्या हो रहा है कर्नाटक में उसके बोलिए, सरकार बनाने बोलिए क्या हो रहा है। इतिहास जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी। एक नंबर की पार्टी के पक्ष में, दो नंबर की राज कर रही है, तीन नंबर का मुख्यमंत्री पार्टी ने, जो तीन नंबर की पार्टी है वो मुख्यमंत्री है, सरकार चलाई, दो नंबर राज कर रहा है, एक नंबर विपक्ष की पार्टी है। एक क्या संदेश जा रहा है देश में? एक छोटा सा लिटमस टेस्ट करते हैं ना, सिर्फ मैं दो पार्टी तो इस देश के लोग की खूबसूरती है। अरे यहाँ पर अथॉरिटेरियन रूल नहीं चाहिए,
यहाँ पर ऑथोरिटेरियन रूल नहीं चाहिए, ये लोकतंत्र है। सवाल पूछने दीजिए ना डॉक्टर भीमराव, सवाल पूछने दीजिए, जो इस देश का संविधान बनाया आप उसमें यकीन करते हो? ठीक है, एक सेकंड, अनुराग भदौरिया जी और दानिश अली जी, आप दोनों से मेरा सवाल, आप दोनों से मेरा सवाल है, पहले सवाल सुन लीजिए सगे, ये ठीक नहीं है, सवाल सुनिए। अगर महामिलावट का आरोप गलत है तो आप दोनों से मैं राहुल गांधी के नेतृत्व पर, कांग्रेस पार्टी के अच्छे काम पर दो दो लाइन बस अगर आप बोल दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। मैं दानिश अली जी के साथ शुरुआत करती हूँ। महामिलावट टेस्ट को आप गलत साबित कर दीजिए, दानिश अली जी आज गलत साबित कर दीजिए नरेंद्र मोदी को, करिए आप राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की प्रशंसा, देखते हैं कर्नाटक के हालात होते हुए आप किन शब्दों में प्रशंसा करते हैं। नरेंद्र मोदी जी को तो देश दे, अंजना जी अभी भी आपको कोई शक है? नरेंद्र मोदी जी को तो देश ने गलत साबित कर दिया। अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, कांग्रेस की बड़ाई कीजिए, नरेंद्र मोदी जी को 5-0 पे आउट कर दिया। कांग्रेस की बड़ाई कीजिए, अभी भी आप हजम करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस की जनता ने कर्नाटक के अंदर जो हमने गठबंधन की सरकार बनाई, ने कहा कि कांग्रेस ने उनको चपरासी बना दिया है। सवाल अंजना जी पूछे, कुमार स्वामी जी ने कहा कांग्रेस ने मुख्यमंत्री की जगह चपरासी बना दिया है, पूछे इस पर जवाब देंगे। आवाज नीचे कीजिए, मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगी किसी की। आपने कांग्रेस की तारीफ नहीं की अपने निर्धारित वक्त में, आपने कांग्रेस की तारीफ नहीं की दानिश अली जी, आप लिटमस टेस्ट में फेल हो गए। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग पहले इन दोनों का लिटमस टेस्ट, कांग्रेस क्या रे भाई, आप बीजेपी का किला ढा दिया, राहुल गांधी के नेतृत्व में बीजेपी का किला ढा दिया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, और क्या चाहेंगे आप भाई? ठीक है, आप बढ़ाई की आखिर के दो लाइन में बढ़ाई की। कुमार स्वामी कह रहे हैं अनुराग भदौरिया चपरासी समझती है, अनुराजी नाटकबाजी ज्यादा नहीं चलेगी। अनुराग भदौरिया वाला बन करके 10 लाख का सूट पहन करके जो है आप डल लेक पर फोटो खिंचवाएंगे, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इतना हंगामा, 10 लाख मोटे मोटे आंसू से रो रहे हैं आपके मुख्यमंत्री, रोज रो रहे हैं आपके लिए। आप 10 लाख सूट कितने लाख की घड़ी पहनते हैं आप लोग पता नहीं है? आपके मुख्यमंत्री कितने लाख की घड़ी पहनते हैं? आपके जो सहयोगी है सिद्धारमैया कितने लाख की घड़ी पहनते बताए कि नहीं? प्लीज सर, अनुराग भदौरिया जी माफी के साथ मुझे आवाज नीचे करनी पड़ रही है और मैं हिमाकत इसलिए सिर्फ कर रही हूँ क्योंकि हर कोई अपने निर्धारित टाइम पे नहीं बोल रहा। प्लीज सर, अनुराग जी लिटमस टेस्ट कांग्रेस पार्टी की प्रशंसा। अंजना जी आप तो इतनी वरिष्ठ, देखिए अंजना जी आप तो इतनी वरिष्ठ पत्रकार, इतने सालों से आप पत्रकारिता करते आ रही हैं और डिबेट कंडक्ट करते आ रही हैं, आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी आपकी डिबेट में बड़ी शांति से सुन रही है और मुस्कुरा रही है, क्यों पता है आपको? क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बौखला इसलिए गई है, परेशान शहनवाज भाई इसलिए हो रहे हैं कि उनको पता है उनकी सत्ता जाने वाली है। पहले जब नई नई भारतीय जनता अच्छा। पार्टी की सरकार बनी थी तो विपक्ष के कुछ लोग ज्यादा हावी होते थे। अच्छा। आप चूंकि शहनवाज भाई को लग रहा है कि अब कुछ बचा तो है नहीं तो कम से कम चिल्ला ही लें, हमें पता है कि हम सरकार में आने वाले इसलिए हम बहुत रिलैक्स हैं, आराम से हैं और हम जनता की मुद्दे की बात कर रहे हैं। इसे पूछा जाता है क्या आप बताओ कि आपने 5 साल में क्या देश के लिए किया? नहीं, आप वो मैंने कहा ना कि हम लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, हम लोग कोई मोदी जी की तरह नहीं है कि भाई हम 2023 इतना अहम हो जाए कि 2023 का हम घोषणा कराएं लोकसभा के अंदर कि 2023 में अविश्वास प्रस्ताव लाना, इतना घमंड अभी नहीं आया है, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं, हिंदुस्तानी जीता है और हमेशा हमेशा दूसरों को मौका देने की कोशिश करता है। हम इतने घमंड में नहीं है कि हम 23 में आएंगे और चिंता मत कीजिएगा। देखिए ये भाषा बहुत अहम भरी भाषा थी, इसलिए आप देखिए आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी अपना कोई काम नहीं गिना पाएगी। मैं तो अंजना जी आपके माध्यम से शहनवाज भाई को बोलता हूँ कि 5 साल के 5 काम गिना दें, व्यूअर सुन रहा है, 5 काम अगर मोदी जी के गिना दें, कल तो गिनाए हैं सारे काम पार्लियामेंट में, गिना दें का एजेंडा सेट हो चुका है, भ्रष्टाचार बनाम ईमानदारी, और ये जनता चाहेगी, जनता इसको अप्रिशिएट करेगी। एक तरफ भ्रष्टाचारी, सारे भ्रष्टाचारी हैं, एक भी ऐसा बता दे जिसके खिलाफ एलिगेशन ना हो, कन्विक्टेड है, बेल पे है, आप किसी को देख लीजिए उठा के। और इधर जो हमारे नेता है बिल्कुल पाक साफ, कहीं कोई जरा सा भी स्पॉट क्लॉट छींटा तक नहीं है हमारे ऊपर। तो जनता एक तो ये चाहती है और दूसरी बात ये सबका साथ सबका विकास,
कल 500 प्रोग्राम 500 स्कीम्स गिनाई उन्होंने, एक एक पॉइंट करके, गरीबों के लिए क्या, महिलाओं के लिए क्या, कॉर्पोरेट के लिए क्या, युवाओं के लिए क्या, किसानों के लिए क्या, तो ये रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं और इसको और डिटेल में दिया जाएगा। अभय दुबे जी, तो इसका जवाब कैसे जनता इनसे पूछेगी? अभय दुबे, और इनका पास्ट के सामने आने वाला है, उसका जवाब दे लेंगे? दानिश जी थोड़ा सा दानिश जी का उठाइए। अंजना जी के साथ झूठ बोलते हैं, इसके लिए मैं जरूर कॉम्प्लीमेंट। अंजना जी, अच्छा कॉन्फिडेंस से झूठ वाली बात पे मैं आऊंगी। वो कह रहे इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं कि इसके लिए मैं बधाई। ठीक है दानिश जी, आपकी बात पे जवाब लेंगे एक साथ, रुक जाइए। कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री जी। अंजना जी, आप सत्ता के बारे में राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहे हैं, उनको बचाइए। राहुल गांधी जी के बारे में कहा, अंजना जी ये बता दो, अंजना जी उनको बचाइए, रो रहे हैं। राहुल लक्ष्मण दुबे जी बोल रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष थे, कैमरे पर देखिए अंजना जी, ये वाजपेयी जी ने भ्रष्टाचार का राग अलापा है जी, तो नहीं वो नोट नहीं भर रहे थे, वाजपेयी भर रहे थे। अंजना जी प्लीज, अंजना जी, अभय दुबे जी, अभय दुबे जी जी, देखिए अभी वाजपेयी जी ने भ्रष्टाचार का राग अलापा है, भाजपाई गठबंधन के सारी भ्रष्टाचारी इकट्ठा होकर सूंघ रहे हैं एक दूसरे का मुंह, पूछिए क्यों? क्योंकि ये भी अब भाजपा की क्लास जाएंगे और भ्रष्टाचार को सीखने का अभ्यास पाएंगे। इन्होंने कहा पांच काम, मैं ये मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट लेकर बैठा हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इस महीने की, ये कहती है कि फॉरेन रिजर्व 13.2 बिलियन डॉलर से डिप्लेट हो गया, डिप्लेशन उसका हो गया। वो कहती है 8 कोर इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट कोलेप्स हो गई। वो कहती है कि एक्सपोर्ट हिंदुस्तान का समाप्त होते जा रहा है। वो कहती है कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट कोलेप्स होती जा रही है, और ये प्रगति बता रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कल बोल रहे थे, प्रधानमंत्री जी ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, वो कह रही है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी थी हिंदुस्तान की 2011 से 13 में, और आपने छठे नंबर पर हिंदुस्तान 11वें नंबर पे थी। गलत बात कर रहे हैं, 11वें नंबर पे थी, थपथपा रहे हैं आप। गलत बात, आपने कहा, खबर बता रहे हैं, गलत बयान दिए आपने, पूरे आज तक चैनल का दुरुपयोग कर दिया। गलत बयान, ये हल्ला बोल प्रोग्राम है अंजना जी के शक्ति का, इसमें झूठ की इज्जत मत दीजिए। पूरा दिन प्रचार 11वें नंबर से 6वें नंबर पे पहुंचे, और आप 15 करोड़ आप यहां पर सीबीटी कह रहे हैं, हम 70 से कम किसी को नहीं मिलते। ये गलत प्रचार मत कीजिए, झूठे आंकड़े 40 रुपए प्रधानमंत्री जी की आदत खत्म में चलने की गुंजाइश नहीं बनती। आप कहते हैं कि करोड़ों लोगों को रोजगार दे दिया। आपने कहा डिजिटल इंडिया, अरे 2013 में हमने टेंडर किए थे कि 2 साल में 2 लाख जीपी में ग्राम पंचायतों में समाप्त नहीं किया प्रधानमंत्री जी, तो झूठ का ढोल खूब पीट रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें दोनों का जवाब दीजिए। मिनिस्ट्री वाइज झूठ का ढोल पीट रहे हैं और कॉन्फिडेंटली झूठ बोलते हैं। ठीक है सर, एक सेकंड, डिलीवरेबल्स नहीं है, एक सेकंड, कॉन्फिडेंटली झूठ बोलते हैं दानिश जी ने कहा और अनुराग जी तो ये बात सही है, झूठ का एक झूठ को 100 बार बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ राहुल गांधी जी बोलते हैं। एक बार राफेल पर एक नहीं, अनेक बार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तब भी पार्लियामेंट में जवाब मिल गया, तब भी एक न एक झूठ राफेल पर रोज बोलते हैं कॉन्फिडेंस के साथ राहुल गांधी बोलते हैं। दूसरी बात, भारत की इकोनॉमी मजबूत हुई है, छठी ताकत बने हैं, लेकिन आपके प्रोग्राम में अंजना जी आप कैसे इजाजत दे सकती हैं कि ये कह दें कि तीसरी इकोनॉमिक ताकत थी भारत और छठी पहुंच गई। एक तो इन्होंने स्वीकार कर लिया कि हम छठी इकोनॉमिक ताकत बन गए, इनको मैं बता दूं कि छठी इकोनॉमिक ताकत में बात बनी है देश के अंदर, देश के अंदर हमने दूर किया है, देश में भी 2 करोड़ से हमने देश में शौचालय बनाने का काम किया, हमने देश को तरक्की के रास्ते पर लाने का काम किया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमिक प्रचार करते हैं और कई बार कहते हैं वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है, वो आंकड़ा नहीं है। हमने सपना आंकड़ा झूठ के आंकड़े को बिना कोट किए हुए बिना रेफरेंस के गलत आंकड़ा रख देती है। पहले अंजना जी आप क्लियर कीजिए, आप जज की तरह ये बात बताइए कि भारत छठी इकोनॉमी अभी बनी है या तीसरी इकोनॉमी थी। अंजना जी मैं आज आपसे सवाल पूछता हूँ, चैनल पर दुष्प्रचार किया कि नहीं? छठी हो गई, दुष्प्रचार नहीं होना चाहिए, पूरे देश को बताना चाहिए। सबसे बड़ी इकोनॉमी हिंदुस्तान की बताया वर्ल्ड बैंक ने, दुष्प्रचार मत कीजिए, दुष्प्रचार मत कीजिए, गलत फैक्ट्स नहीं सामने रखने चाहिए, किसी को का संरक्षण चाहिए।
उसी तरह मैं अंजना जी चाहता हूँ एंकर की भूमिका स्पीकर की होती है। आप बताइए कि इन्होंने गलत कहा कि नहीं कहा। छठी इकोनॉमिक ताकत हम है, आप कह रहे हो तीसरी थे। अंजना जी दुबे जी, मैं चुनौती देता हूँ शहनवाज जी, डिफेमेशन का केस कीजिएगा मुझ पर। अगर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट नहीं है, यूपीए सरकार के समय की विश्व की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बड़ा खर्चा लगता है। अंजना जी अभी गूगल कीजिए, आपको बहुत पैसा आप यहाँ बहुत वकील हैं। ये गलत स्टेटमेंट है, ये गलत बात है। मैं केस मुकदमे के झूठ बोल रहे हैं, आप भी झूठ बोल रहे हैं। सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने पूरा नोट नहीं दिखाया, एक सिलेक्टेड संदेश दिखा दिया। बड़ा इंजीनियर है ना, आपको आपके मोबाइल पर करिए मैंने देखा हुआ है, रोज देखता हूँ मैं, मेरे पास है रिकॉर्ड डाटा। आवाज कम कीजिए, किसी की तो बोल पाऊंगा। ठीक है सर। अंजना जी भदौरिया साहब, अंजना जी ये बात तो सही है, देश की अर्थव्यवस्था जैसी भी हुई हो, देश की अर्थव्यवस्था जितनी भी गिर गई हो, लेकिन हमें लगता है कि बीजेपी की इकोनॉमिक जो अर्थव्यवस्था है बहुत अच्छी हो गई है। आप देखो पूरे देश के अंदर 5 साल के अंदर में पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट में इनके बढ़िया पार्टी कार्यालय, पूरा एसी युक्त पार्टी कार्यालय बन गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये पता नहीं पैसा कहां से आया, हमें लगता है ये तो खेत वेत का पैसा होगा, गेहूं आटा चावल दाल बेच के लाए होंगे लोग, इसमें कोई दो राय नहीं। रेंज रोवर में आप चले गए, मैं आपसे पूछता हूं कहां से आता है ये, आप लोग जल्दी की पूछ रहे हैं इसका क्या करोगे, कह रहे तो हमारे कार्यालय पे होगी। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बड़ा साफ लिखा हुआ है, मैं भारतीय जनता पार्टी की नहीं एफआईआर की कॉपी है भैया, कि 1500 कितने करोड़ का जो अखिलेश के खिलाफ कार्यालय बन गया, बाद-बाद उत्तर प्रदेश के सारे डिस्ट्रिक्ट में कार्यालय बन गया। ये जी ने पॉइंट आउट किया है, ये कहां से आ रहा है ये इकोनॉमी, इसके बारे में कौन बताएगा दूसरों के बारे में। रोल ऑफ द माइनिंग मिनिस्टर की 5 साल में आपने देश के साथ क्या किया है, अरे भदौरिया आपने देश के डेवलपमेंट के लिए क्या किया, उस वक्त क्या किया आपने, महिलाओं के लिए क्या किया आपने, आंगनवाड़ी महिलाओं के लिए क्या किया, देश जानना चाहता है सिर्फ जुमले जो माइनिंग घोटाला 477 करोड़ रुपए का, और उसमें क्या लिखा हुआ है कि मिनिस्टर द रोल ऑफ द माइनिंग मिनिस्टर कह रहे कोई काम करेगा तो आप लोग घोटाला खोजेंगे चुनावों के पहले। देखिए दानिश अली जी, ये कहना है कि प्रहार जितना पीएम पर होगा, जो पहले भी शाहनवाज जी कह रहे थे, जितना प्रहार कीजिएगा उतना ही जीत उनकी तय हो जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर नीच कह के कोई चोट करता है, चाय वाला कह के चोट करता है, तो उसको कैसे पलटना है ये हुनर मोदी को आता है। काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती, ये देहात में कहावत है, एक बार ही चढ़ती है। कल प्रधानमंत्री जी लोकसभा में जब भाषण कर रहे थे, रिप्लाई दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देवेगौड़ा जी अपने आप को किसान दोबारा चढ़ गई, इनकी क्लेम करते की तो दोबारा चढ़ गई। अरे देवेगौड़ा जी कभी क्लेम नहीं करते, देश की जनता जानती है कि किसान पुत्र कौन है। लेकिन हाँ, आप जरूर बार बार क्लेम करते हैं कि मैं चाय बेचता छोटी छोटी 10 लाख का सूट पहन करके, हाँ। चश्मा लगा करके आप जरूर क्लेम करते हैं। देखिए मैं इसीलिए कि देश की जनता समझ चुकी है, अब देश की जनता समझ चुकी है, जुमलेबाजी नहीं चलेगी, ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी, इंतजार कर रही है। अंजना जी बस बहुत छोटी सी बात है, मैं आपके माध्यम से बस देश की जनता को एक ही बात कहना चाहूंगा कि मोदी जी ठीक है 10 लाख का सूट उन्होंने पहना, सूट पिछले महीने फरवरी में ऑक्शन हुआ, 4,31,00,000 रुपए आए, गंगा सफाई अभियान में राष्ट्र को समर्पित हो गए। मोदी जी ने फायदा किया या गलत, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन जब देश की जनता ये भी देखती है कि मेहरौली के फार्म हाउस में राहुल गांधी 40 लाख की BMW मोटरसाइकिल रात में चलाते हैं, दिल्ली पुलिस कवर देती है, तो ये देश की जनता को अच्छा नहीं लगता है। जब लखनऊ की सड़क पे अखिलेश यादव के भाई लंबोर्गिनी चलाते हैं तो देश की जनता सोचती है भाई पैसा कहाँ से लाए, कौन सा बिजनेस करते थे, जीवन भर तो इनके माँ बाप सांसद या MLA रहे,
कहां से इतना पैसा आ गया कि लंबोर्गिनी और बीएमडब्ल्यू की मोटरसाइकिल चलाएंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव के भाई, और उसके बाद ये बात करेंगे गरीबों की? देश की जनता को आप ही के चैनल के माध्यम से तय करने दीजिए। राष्ट्र की बात करने के लिए जाता है जब आप, किस गरीबों का पैसा तो देश की बात करने के लिए बुलाया जाता है। ये चुनाव इसी मुद्दे पे होने जा रहा है। आइए लोग चोर चोर मौसेरे भाई हैं, खुद एक दूसरे को भ्रष्टाचारी कहेंगे लेकिन हाथ मिला लेंगे। सरकार या मजबूत सरकार, मिलावटी सरकार या मजबूत सरकार, और दूसरा राफेल पे एक इसी पे अंत करते हैं, मिलावटी सरकार या मजबूत सरकार। लेकिन ये एक तरह से आप देख रहे हैं कि प्लेटफॉर्म बिल्ड हो रहा है और कैसे ये पूरी की पूरी लड़ाई आगे की तरफ बढ़ रही है। अभी तो घमासान बस शुरू ही हुआ है, समझिए एक महीने दो महीने में तो कहां से कहां पहुंचेगा। हल्ला बोल में आज ये चर्चा की प्रहार एक दूसरे पर। प्रधानमंत्री ने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि महागठबंधन को भी घेरा महामिलावट कह के। दूसरी तरफ चौकीदार पर अपने पुराने नारे के साथ राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। लड़ाई मकाम पर है, चुनाव करीब है, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।